डियर स्टूडेंट, आप सभी के एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय अध्ययन कक्षा 11वीं कॉमर्स का सब्जेक्ट है। तो व्यवसाय अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवसाय के प्रकृति क्या होती है और उसका उद्देश्य क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज व्यवसाय अध्ययन में हम व्यवसाय की प्रकृति एवं अवधारणा, व्यवसाय पेशा एवं रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर में सबसे पहले देखिए मानवीय क्रियाएं। तो मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानवीय क्रिया का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा की जाने वाली, मनुष्य मतलब हम जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, है ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, तो उनके द्वारा की जाने वाली जो क्रियाएँ हैं उसको क्या कहते हैं, हम मानवीय क्रियाएँ कहते हैं। मानवीय क्रियाएँ भी दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होती है वह जो आर्थिक क्रिया होती है और दूसरा जो होती है वह जो है अनार्थिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, जिसे आर्थिकेतर क्रियाएं भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो दो प्रकार की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं और दूसरा अनार्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया को हम पढ़ेंगे आज कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो आर्थिक क्रिया के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आज। तो इसे इंग्लिश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो मनुष्य जो है धन कमाने के उद्देश्य से करता है। कोई भी मनुष्य धन कमाने के उद्देश्य से करता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? आर्थिक क्रिया जो है धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आपको समझिए कि धन जब कमाने के उद्देश्य से क्रियाएं जो की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखिए लिखा है कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब इसको आप समझिए, इतने को ही समझना, आपको ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है। तो पहले समझिए कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रिया मतलब वे सभी क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए, मतलब धन को पाने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप अगर किसी दूसरे का काम करते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, धन प्राप्त होता है, पैसा मिलता है मजदूरी के रूप में या वेतन के रूप में, किसी भी मतलब प्रतिफल के रूप में आपको कुछ ना कुछ धनराशि प्राप्त होती है। तो आप अगर किसी दूसरे का काम करेंगे तो क्यों करेंगे, आप किसी दूसरे का काम तब करेंगे जब आपका उसके मतलब उसके बदले में आपको प्रतिफल प्राप्त हो। तो इस उद्देश्य से करते हैं हम दूसरे का काम, ठीक है। एक ऐसा होता है कि हम दूसरे का काम कर देते हैं फ्री में, बिना किसी प्रतिफल के। वो क्यों करते हैं, ऐसी मानवता के आधार पर या संबंध अच्छे होने के आधार पर। तो उस प्रकार की क्रियाओं को अनार्थिक क्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें हम किसी प्रकार का धन कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो अभी हम समझेंगे केवल आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रियाओं को समझने के बाद हम पढ़ेंगे अनार्थिक क्रिया, ठीक है। तो देखिए आर्थिक क्रियाएँ मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। धनोपार्जन, केवल एक शब्द को याद रखें कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए, मतलब धन प्राप्त करने के लिए, धन का उपार्जन करना, धनोपार्जन मतलब धन प्राप्त करने के लिए की जाती है, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक। आर्थिक क्रिया में वे क्रियाएं भी शामिल की जाती है जो धन को कम करने के लिए की जाती है,
धन को कम करने के लिए की जाती है। प्रगतिशील समाज में मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हो गई है। प्रत्येक दिन एक नई नई वस्तुओं का उपभोग करने के पश्चात भी उपभोग से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार वैज्ञानिक वर्ग जो है नई नई खोज कर रहे हैं, उत्पादक नए नए ढंग से कुछ नया उत्पादन कर रहे हैं। वैज्ञानिक वर्ग मतलब जो भी वैज्ञानिक है उन लोग क्या कर रहे हैं, नए नए चीज़ों का खोज कर रहे हैं। और उत्पादक वर्ग मतलब जो बनाने वाले हैं, पैदा करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, वो जो है नए नए चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। यही स्थिति क्या है, विक्रेता मतलब जो बेचने वाले, विनिमयकर्ता आदान प्रदान करने वाले, संग्रहणकर्ता मतलब वो जो स्टोर करके रखते हैं वो, और व्यापारियों की है। यही स्थिति किन की है, विक्रेता की भी है, विनिमयकर्ता की भी है, संग्रहणकर्ता की और व्यापारियों की है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का कार्य दिनों दिन बढ़ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य क्या हो जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। इससे आर्थिक क्रियाएं बढ़ रही है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है धन से संबंधित जो क्रियाएं वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। मनुष्य सदैव व्यस्त दिख रहा है। मनुष्य सदैव क्या हो जा रहा है, व्यस्त मतलब दिन भर काम है उसके पास, इसलिए वो व्यस्त है। भाग दौड़ में व्यक्ति के पास इतना भी समय नहीं दिख रहा है कि 2 मिनट अपने रिश्तेदारों या मित्रों से बात कर ले। ठीक है, यह सब किस लिए, समझ रहे हैं? तो समझना है कि आज मनुष्य के पास इतना काम हो गया है कि वो अपने रिश्तेदारों से भी बात करने के लिए उनको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक, तो आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा के युग है और मनुष्य धन प्राप्त करने के उद्देश्य से अनेक क्रियाएं कर रहा है। ठीक है, तो इसको हमको समझ गए कि धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब हम चलते हैं उसके कुछ उदाहरण में। जैसे किसान हल या ट्रैक्टर से कृषि कार्य करता है, अध्यापक, वकील, डॉक्टर अपने पेशे में व्यस्त हैं, दुकानदार दिन भर ग्राहक से जूझता है, कारीगर धूप बरसात और या ठंड में भी कड़ा परिश्रम करता है, कोई ड्राइवर हो या कंडक्टर, सभी धन कमाने के लिए भारी प्रयास करते हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया कि किसान भी अगर हल चला रहा है, ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहा है, तो भी वो क्या है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि धान की बुआई करेगा या कोई भी फसल की बुआई करेगा, उसके बाद उसकी कटाई करेगा और उससे जो है वो धन प्राप्त करेगा, इसलिए वह जो है आर्थिक क्रिया होगी। ठीक, उसी प्रकार अध्यापक भी है, पढ़ाने का काम करता है, वकील है, डॉक्टर है, ये सारे क्या हैं, आर्थिक क्रिया के उदाहरण हैं। कारीगर बहुत सारे कारीगर हैं, अनेक प्रकार के। आप जैसे देखते हैं भवन निर्माण करते हैं, नया घर बनाते हैं तो मिस्त्री बुला करके लाते हैं, वो मिस्त्री भी एक प्रकार का क्या है, घर बनाने वाला कारीगर है, वो भी धूप में, बरसात में, ठंड में काम करता है आपके लिए। कोई ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, सभी क्या है, धन कमाने का ही कार्य कर रहे हैं। तो ये सारे को क्या बोलेंगे हम, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि छात्राओं से पूछा जाए कि आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो उत्तर मिलेगा कि पढ़ लिख कर इस योग्य बनना चाहते हैं कि कोई अच्छी नौकरी, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई अच्छा व्यापार कर सके। आप लोगों को जब पूछेंगे तो आप लोग भी यही बोलेंगे कि हम पढ़ लिख कर सर अच्छा नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, या अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, आप यही बोलेंगे। ठीक, तो पुनः प्रश्न करते हैं कि ये सब क्यों करना चाहते हो, तो आप लोग कहेंगे कि ये सब करने से अच्छा पैसा मिलेगा। ये सब करने से क्या मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, धन कमाएंगे सर, और वह फिर खूब घूमेंगे सर, अब विदेश जाएंगे और खुशी जीवन बिताएंगे। ठीक है, आपको बोलने से आप यही बोलेंगे कि हम जो है पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी प्राप्त करेंगे या अच्छा बिजनेस करेंगे, उससे जो है अच्छा धन कमाएंगे, और उस धन का से जो हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के सुखों के चीज़ों का संग्रह करेंगे, खूब घूमेंगे, विदेश जाएंगे और सुखी जीवन बिताएंगे। अर्थात पढ़ना, नौकरी, पैसा या व्यापार
नौकरी पेशा या व्यापार, धन प्राप्त करना, सुखी जीवन बिताना हमारा लक्ष्य है। क्लियर हो गया? पढ़ना, नौकरी पेशा, व्यापार, धन प्राप्त करना, सुखी जीवन बिताना हमारा लक्ष्य है। ठीक, ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। ठीक है, अब इसको संक्षिप्त में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। मनुष्य द्वारा लाभ या आय प्राप्ति हेतु की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा से हम माप सकते हैं, मापा जा सकता है, जिन्हें मुद्रा से मापा जा सकता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? मनुष्य द्वारा लाभ या आय प्राप्ति हेतु की गई समस्त क्रियाएं जिसे मुद्रा से मापा जा सकता है, उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आर्थिक क्रियाओं की विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आर्थिक क्रियाएं की विशेषता क्या क्या है? तो विशेषता का मतलब होता है उसका गुण क्या है। आर्थिक क्रिया को आर्थिक क्रियाएं किस लिए कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया का गुण आर्थिक उद्देश्य होता है। देखो, कोई भी क्रिया आर्थिक क्रिया में सबसे पहला जो मूल गुण है या मूल उद्देश्य है या मूल विशेषता है वो क्या होती है? उसका आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य मतलब हम आर्थिक क्रिया क्यों करेंगे? तो हम आर्थिक क्रिया जो है धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्त करने के लिए की जाती है। धन कमाना या उससे क्रय करना, दोनों उद्देश्य आर्थिक क्रियाएं ही है। इस हेतु क्रय विक्रय, विनिमय, संग्रहण, परिवहन भी आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति हेतु की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक उद्देश्य अवश्य होता है। क्लियर हो गया कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आर्थिक उद्देश्य अवश्य होता है, क्योंकि क्रियाएं ही ऐसी हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जा रही है, इसलिए ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं दूसरा पॉइंट में। दूसरा पॉइंट कहता क्या है? तो दूसरा पॉइंट देखिए, सामाजिक क्रियाएं। देखो, मनुष्य जो है समाज के अंतर्गत रहने वाला प्राणी है। मनुष्य कहाँ रहता है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज में ही रहकर समाज के लिए विभिन्न कार्य करता है। ठीक, आप भी अपने क्या बोलते हैं, कुटुंब में, परिवार में रहते हैं, आप अपने गांव में रहते हैं, और गांव से मिलकर के क्या बनता है? आपका एक समाज बनता है। ठीक है, तो सारे समाज में रह करके सारे मनुष्य क्या है, समाज में रह कर ही अपने कार्य को करते हैं। और वो कार्य कैसे करेंगे? तो समाज में रहकर समाज का जो नियम है, रीति रिवाज है, उनके आधार पर जो है काम को करते हैं। ये समस्त क्रियाएं जो है क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाओं के अंग है। ये समस्त क्रियाएं क्या है? आर्थिक क्रियाओं के अंग है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। तीसरा जो विशेषता है वह है कानून का पालन करना। कानून का पालन करना, तो आर्थिक क्रिया में जो है मनुष्य जो है समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है, ये कानून व नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। देखो, कानून और नियम के बने हुए हैं, उनके अंतर्गत जो है काम मनुष्य जो है काम करता है, है ना। अतः आर्थिक क्रियाओं में कानून व नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। ये कानून स्थानीय हो या राज्य सरकार के हो या समाज के, सभी कानून की श्रेणी में आ जाते हैं। अब आपको समझना है कि कानून का पालन कैसे। कानून आपके, अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के भी अपने अपने नियम रहते हैं। आप शहर में रहते हैं तो शहर में जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, इनके नियम कानून रहते हैं। आप उसके आधार पर जो है व्यवसाय या आर्थिक कार्य करते हैं। ठीक, उसी प्रकार जो है सरकार, राज्य सरकार भी नियम कानून बनाई हुई है और केंद्र सरकार भी नियम कानून बनाए हुए हैं आर्थिक कार्य को करने के लिए। कोई भी कार्य सरकार की नज़र में वैध होगा तभी वो जो है आप कर सकते हैं। अवैध कार्य को आप करेंगे तो सरकार आपको, मतलब पुलिस आपको पकड़ करके ले जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। जैसे चोरी करना एक कानूनी अपराध है। ठीक, और मादक पदार्थ मतलब जो भी नशीला पदार्थ है उसका भी विक्रय विक्रय करना भी क्या है, एक प्रकार का अपराध है। इसलिए जो है
इसको जो है सरकार जो है मान्यता नहीं दी है, इस प्रकार के चीज़ों का हम व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप करते हैं तो आपको जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपको जो है पुलिस जो है जेल में डाल देगी, इसलिए इस प्रकार के कार्य नहीं किया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रिया समझ गए, आर्थिक क्रिया कौन कौन से होते हैं। आर्थिक क्रिया में तीन विशेषताएं पढ़े हैं हमने, क्या 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 विशेषताएं हैं। पहला देखिए आर्थिक उद्देश्य, दूसरा पहला आर्थिक उद्देश्य पढ़े, दूसरा सामाजिक क्रियाएं और तीसरा कानून का पालन। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक क्रियाएं और तीसरा कानून का पालन, ये तीनों को याद रख लेंगे। आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक क्रियाएं और तीसरा कानून का पालन, चार बार ऐसा बोलिए, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक क्रियाएं, कानून का पालन, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक क्रियाएं, कानून का पालन। इस प्रकार आप तीन बार चार बार जब दोहराएंगे तो वो चीज़ें जो है धीरे धीरे दिमाग में फिट होते जाती है, समझ आते जाता है। क्लियर हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए अनार्थिक क्रियाएं या आर्थिकेतर क्रियाएं क्या होती है। आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रिया, अब हम आर्थिक क्रिया के बाद क्या पढ़ेंगे, अनार्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रिया कौन कौन सी होती है इसको पढ़ेंगे। तो अनार्थिक क्रिया नाम से स्पष्ट है कि ऐसा कार्य जो धन कमाने के लिए नहीं किया जाता। अनार्थिक शब्द आर्थिक शब्द का विरुद्धार्थी है, विरुद्धार्थी मतलब उल्टा है, किसका, आर्थिक शब्द का उल्टा है, कौन उल्टा है, अनार्थिक शब्द। ठीक, अतः स्पष्ट है कि ऐसी क्रियाएं जो आर्थिक होती हैं वे अनार्थिक नहीं हो सकती। देखो आपको मैं समझा रहा हूं, मतलब ऐसा कार्य जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं, हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। आपको बस इतना समझिए कि अनार्थिक कार्य किसे कहेंगे, ऐसा कार्य जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाता वो क्या कहलाता है, अनार्थिक कार्य कहलाता है। क्लियर हो गया, अब पुनः प्रश्न करते हैं कि ये सब क्यों करना चाहते हो, तो आप कहेंगे कि ये सब करने से अच्छा पैसा मिलेगा। देखो धन धन कमाएंगे वह फिर खूब घूमेंगे, विदेश जाएंगे और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात पढ़ना, नौकरी पैसा, व्यापार, धन प्राप्त करना, खुशी जीवन बिताना हमारा लक्ष्य है, ये सभी आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। ठीक है, आर्थिक क्रिया तो कही जाती है, लेकिन अनार्थिक क्रिया क्या होती है, तो अनार्थिक क्रिया में वही बोला गया है कि मनुष्य के द्वारा जो है धन प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं किया जाने वाला कार्य, मतलब ऐसा कार्य जो धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं किया जाता वो क्या कहलाता है, अनार्थिक क्रिया कहलाता है। देखिए इसको डबल यहाँ पर दो बार रिपीट कर दिया है उसी को, आर्थिक क्रिया को। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मनुष्य द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता। देखो क्लियर है, स्पष्ट है, मनुष्य के द्वारा की जाने वाली ऐसी समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अपितु सामाजिक रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनार्थिक क्रियाएं या आर्थिकेतर क्रियाएं कहते हैं। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ें, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सुनते जाइए ये कथा की तरह, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसे उन सभी कार्यों को करना पड़ता है जो कार्य परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, प्रेम स्नेह तथा सेवा के कारण करना पड़ता है। क्लियर हो गया, अब हम पूरा ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर से देखिए, इस प्रकार सामाजिक रीति रिवाज, प्रेम स्नेह, मित्रता या पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण की गई समस्त क्रियाएं जिनसे लाभ प्राप्ति नहीं होती है और ना ही इन क्रियाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है, इन्हें अनार्थिक या आर्थिकेतर क्रियाएं कहते हैं। मतलब मुद्रा के रूप में जिसे मापा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया, अब क्या आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक हो सकती हैं,
क्वेश्चन आपका बनता है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, क्या अनार क्या जो है आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक हो सकती है। तो देखिए अभी हमने आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं के मध्य एक रेखा खींच दी है, किंतु समय के अनुसार व कार्य की प्रकृति के अनुसार अनार्थिक क्रियाएं अनार्थिक क्रिया आर्थिक हो सकती है तथा उद्देश्य आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक भी हो सकती। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक हो सकती है, तो क्या आर्थिक क्रिया अनार्थिक हो सकती है पूछ रहा है, तो हमको बताना है कि हाँ आर्थिक क्रियाएं अनार्थिक भी हो सकती हैं और अनार्थिक क्रिया भी आर्थिक हो सकता है। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं, अभी हमने आर्थिक व अनार्थिक क्रियाओं के मध्य एक रेखा खींच दी है, किंतु समय के अनुसार व कार्य की प्रकृति के अनुसार आर्थिक क्रिया आर्थिक हो सकती है तथा अनार्थिक क्रिया आर्थिक हो सकती है। यहाँ पर लिखा है अनार्थिक क्रिया जो है आर्थिक हो सकती है और आर्थिक क्रिया अनार्थिक भी हो सकती है, दोनों हो सकती है बोल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए लिखा है दोनों हो सकती है, आर्थिक और अनार्थिक दोनों हो सकती है। क्लियर हो गया, तो यह स्पष्ट हो गया कि लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई कोई भी क्रिया आर्थिक व बिना लाभ के की गई कोई भी क्रिया अनार्थिक मानी जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम चलेंगे, देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाकर उसका पालन पोषण करती है। एक माँ जो है अपने बच्चों का दूध पिलाती है, पालन पोषण करती है, स्कूल ले जाती है, उसके कपड़े धोती है ना, साफ सफाई करती है, यह पूर्ण अनार्थिक क्रिया है। पूर्ण क्या है, अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि माँ आप लोगों से जब काम करवाती है, मतलब आप लोगों का जब पालन पोषण करती है, स्कूल भेजती है, उन आपके कपड़े धोती है, तो क्या आपको पैसा देने के लिए बोलती है क्या कि मेरे को इतना रुपया दो तो मैं आपका काम करूँगी, नहीं बोलती ना। ठीक, लेकिन यही कार्य एक आया के द्वारा किया जाए, एक आया मतलब घर में देखे होंगे बड़े बड़े घरों में जिनके यहाँ जो है दोनों हस्बैंड और वाइफ मतलब पति पत्नी अगर दोनों काम करने वाले होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपने बच्चे की देखरेख के लिए एक बाई रखते हैं, बाई जो कि काम मतलब बच्चे की देखभाल करती है जिसे हम आया बोलते हैं, वो क्या करती है बच्चों की देखभाल करती है, और वही कार्य उसके द्वारा अगर किया जाता है तो हम उसको मतलब जो उसके माता पिता हैं बच्चे के वो उसको एक निश्चित राशि महीने के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से जो भी निर्धारित है दिन के हिसाब से, तो वो जो है एक निश्चित राशि उनको भुगतान करते हैं, तो उस स्थिति में जो है यह क्रिया क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया कहलाएगी। क्लियर हो गया, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको कार्य के बदले क्या मिल रहा है, धन मिल रहा है, इसलिए वह आर्थिक क्रिया मानी जाएगी। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ें। एक शिक्षाविद संगीतकार या कलाकार किसी को शिक्षा देता है या कला संबंधी ज्ञान देता है तो यह आर्थिक कार्य हुआ। देखो कोई भी आप कोई भी कलाकार है संगीतकार है तो वो अगर आपको क्या कर रहा है, शिक्षा देता है या कला संबंधी ज्ञान देता है तो यह आर्थिक कार्य होगा, किंतु यही कार्य किसी संस्थान में मार्ग प्रदर्शन के लिए किया जाए, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाए तो यह अनार्थिक क्रिया होगी। क्लियर हो गया, अनार्थिक क्रिया होगी। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि किसी संस्थान में अगर हो रहा है यही कार्य तो वो क्या होगा, समाज कल्याण के लिए, तो यह अनार्थिक क्रिया हो जाएगी। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम जो है बहुत चीज़ों को पढ़ लिए, यहाँ पर देखिए एक अध्यापक घर में बच्चों को सेवा व सहयोग के उद्देश्य से निःशुल्क अध्यापन कार्य कराता है तो अनार्थिक क्रिया होगी, जबकि उसी अध्यापक द्वारा स्कूल में अध्यापन कराना आर्थिक क्रिया होगी। देखो आप इसको बस समझ लो कि एक अध्यापक
मतलब आपका शिक्षा घर में बच्चों को सेवा और सहयोग के उद्देश्य से निःशुल्क अध्यापन कराता है, मतलब बिना पैसे लेकर के आपको घर में पढ़ा रहा है या कहीं पर भी पढ़ा रहा है, तो क्या होगा, अनार्थिक क्रिया होगा। लेकिन जब उसी अध्यापक जो स्कूल में अध्यापन कराता है तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया होगा, क्योंकि वो अध्यापक को उस पढ़ाने के एवज में क्या मिलता है, उसको वेतन मिलता है, पढ़ाता है तो उसको स्कूल से वेतन प्राप्त है, क्योंकि स्कूल के कार्य के लिए उसे वेतन मतलब पारिश्रमिक मुद्रा में प्राप्त होता है। इसलिए जो है यह क्या है, क्या है, ये आर्थिक क्रिया है। ठीक, तो ये आर्थिक और अनार्थिक क्रिया को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर को। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर दूसरे वीडियो में आप देखिए आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। हम जो है वीडियो में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करते जाएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।